तो मैं प्रोफेसर रिपुरंजन सिन्हा आज आपको निराशा से मुक्ति की बात बताने जा रहा हूँ। पिछली शताब्दी के शुरू की बात है, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक उत्साही नवयुवती ने एक उपन्यास लिखा। यह उसका पहला उपन्यास था। उसको हृदय में आशा की किरण जगी और उसने उस उपन्यास को एक प्रकाशक के पास प्रकाशनार्थ भेजा, किंतु प्रकाशक की अस्वीकृति तुरंत ही आ पहुंची। कारण था कि लेखिका नई नहीं है, अतः उनके पास लिखित उपन्यास की मांग नहीं होगी। युवती निराश हुई, उसने उसे दूसरे प्रकाशक के पास भेजा, फिर वही हुआ। इस तरह एक के बाद एक 14 प्रकाशकों ने उस उपन्यास को छापने से इनकार कर दिया। कोई प्रकाशक भाषा का बहाना बनाता था तो कोई कथानक का। इस युवती का हिम्मत देखिए, वो कतई निराश नहीं हुई और उसने अपने उपन्यास को 15वें प्रकाशक के पास प्रकाशनार्थ भेजा। भाग का खेल अथवा अध्यास का कमाल, यह उपन्यास प्रकाशित हो गया और उसने बिक्री भी खूब की। देखते ही देखती वह व्यक्ति पाठकों में लोकप्रिय हो गई। उत्साह से अभिप्रेरित उस युवा लेखिका ने अपने पुस्तकें लिखी। ड्रैगन सीड, पेवेलियन ऑफ द वोमेन, पियोनी, कम माई मिलॉर्ड और मदर। अंततः ख्याति के प्रकाष्ठा इस महिला को साहित्य में नोबेल पुरस्कार के रूप में हुई। नोबेल पुरस्कार समिति ने अपने सम्मान पत्र में उल्लेख किया कि वैसे तो इस लेखिका की सभी पुस्तकें उत्तम हैं, किंतु उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति उनकी पहली पुस्तक ही थी, द गुड अर्थ। इस महिला थी प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक पर्ल एस बक, जिसने 60 के दशक में भारत में देवानंद के साथ मिलकर अंग्रेजी भाषा में गाइड फिल्म बनाई थी। तो आज मैं एक और बात बताने जा रहा हूँ कि आखिर निराशा होती क्यों है। मानव की प्रकृति है कि वह सुख और सफलता को सदैव कामना करता रहता है। ईश्वर से ही की जाने वाली सभी प्रार्थनाओं में भी सुख, संपत्ति और शांति की ही याचना की जाती है। यह तो स्वाभाविक है, किंतु परेशानी तब होती है जब व्यक्ति सुख को अपना अधिकार मान देता है तथा जब उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, वो विचलित हो जाता है। संक्षेप में, निराशा के कतिपय कारण निम्न हैं। जब जीवन में सफलता मिलती रहती हो तो वह असफलता का एक झटका लग जाए, जब एक के बाद एक असफलता मिलती जाए, जब समाज, समुदाय अथवा अपने संगठन में से एक व्यक्ति उपहास तथा अपमान का पात्र बन जाए, जब दुर्घटना का शिकार होने पर एक व्यक्ति अपाहिज तथा अक्षम बन जाए, जब ऐसा मान हो कि अब और अधिक उसकी प्रगति नहीं हो सकती, जब हमसे पीछे रहने वाले लोग जिंदगी के दौर में हमसे बहुत आगे निकल जाए, जब हमारे परिवार वाले और हमारे विशेष से नहीं एक मित्र हमारा साथ छोड़ दे, जब धन की इतनी कमी हो जाए कि हम अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरे पर निर्भर होना पड़े, जब ऐसा लगे कि हमने जीवन में कुछ भी खास काम नहीं किया तथा यह व्यर्थ सा गया, जब हमें शक्ति, सहारा और प्रेरणा देने वाला कोई ना हो। अन्य भी कई कारण हो सकते हैं, जहां आशा है वहां भी निराशा हो चुका है। क्योंकि सारी आशाएं पूरी नहीं होती, अतः निराशा हमारे जीवन का अनिवार्य अंग बन जाती है। एक सार्थक एवं रचनात्मक जीवन दर्शन व्यक्ति को अधिक विवेकपूर्ण बनाता है। जीवन के कुछ सत्यों को समझना आवश्यक है। कुछ सामान्यतः स्वीकार सत्य इस प्रकार हैं। जीवन दुख, सुख दुख दोनों का मिश्रण है। मानव के सुख और दुख उनके कर्म और भाग से बनते हैं। जीवन निरंतर संघर्ष की एक यात्रा है। उतार चढ़ाव तो इस यात्रा की नियति है। जीवन में कभी मान मिलता है तो कभी अपमान। हम जितने अच्छे अंदर से हैं, दुनिया उसे समझ नहीं सकती। प्रेम कष्ट का कारण भी होता है। जीवन के उपरोक्त सत्यों को समझने से हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक बनता है, निराशा कम होती है, विश्वास अधिक जागृत होता है। हाँ, कुछ उपाय अवश्य हैं जिनको अपनाने से हम अधिक सकारात्मक एवं आशावादी बन जाते हैं तथा निराशा की मात्रा को कम कर सकते हैं। ईश्वर में अगाध श्रद्धा रखें। निराशा के क्षणों में प्रार्थना सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र है। निराशा के क्षणों में किसी वरिष्ठ व्यक्ति को अपने परेशानी बताएं, उसकी राय पर गौर करें। जिस समस्या से व्यथित हो उसके बारे में कागज पर विश्लेषण कर लिखें। तुरंत आपको आभास हो जाएगा कि समस्या की जड़ क्या है। यदि कोई कष्ट ऐसा है जिसका कोई समाधान नहीं है, तो उस दुख को भी स्वीकारना सीखें। जिन कष्टों अथवा समस्याओं का समाधान संभव है, उनके उपायों को लिख डालें।
प्रत्येक उपाय के गुण दोष परख कर उनमें से एक उपाय को छांट लें। चुने हुए उपाय को क्रियान्वित करें। सही परिणाम नहीं आने पर उपाय में संशोधन करें। निरंतर प्रेरणादायक साहित्य पढ़ें। अपनी शक्तियों और सफलताओं के बारे में निरंतर चिंतन करते रहें। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने उल्लेख किया है कि प्रसिद्ध संत तिरुवल्लुवर के उपदेश को समझें कि जब बुरे दिन हो तो सरस की तरह टकटकी लगाकर समय को देखते रहें तथा जब अच्छे दिन आए तो बाज की तरह झपट्टा मारें। अंदर से उपजी हुई निराशा के भाव को हल हमारी आस्था, हमारे विश्वास और हमारे कर्म में ही है। और फिर जब ईश्वर साथ हो तो विश्व की समस्त विरोधी शक्तियाँ और विपत्तियों का मर्दन हो जाता है। धन्यवाद।